देखिए, हमने पहले क्या किया, एक कोल सैंपल लिया। जो कोल सैंपल लिया उसको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1 आवर तक टाइम ड्यूरेशन के लिए, 1 आवर ड्यूरेशन के लिए हीट किया। वहां से जो भी मॉइस्चर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, और उसके बाद जो सब्सटेंस बचेगा उसमें रेसिड्यू मैटर, उसको हम लोग क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। उसको वेट करने के बाद वहां से मॉइस्चर डिसअपियर हो चुका है, मॉइस्चर वहां से निकल चुका है, तो जो डिफरेंसेस आएंगे, जो ओरिजिनल जो हमने वेट लिया है सैंपल वेट, और दूसरा जो कि रेसिड्यू मैटर का जो वेट हुआ, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वो सब्सट्रैक्ट करके निकाल लिए तो जितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास निकल गया W-W1, और जो हमने सैंपल का वेट लिया था W, उसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट। वैसे ही अब जो ये W1 आया, जो फर्स्ट जो प्रोसेस हमने किया मॉइस्चर को एलिमिनेट करने का या मॉइस्चर को डिसअपियर करने का, उसके पश्चात जो वेट आया, उस वेट को सैंपल को हम लोग फर्दर स्टेट के लिए, यानी जो है वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट करने, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर को कैलकुलेट करने के लिए उसको इनपुट की तरह यूज करेंगे, और उसको हम लोग 927 या 950 डिग्री के डिग्री सेल्सियस के आसपास तक उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे 7 मिनट टाइम ड्यूरेशन के लिए। यहाँ से है जो रिमेनिंग जो मैटर रह जाएगा, तो एक चीज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कवर्ड लीड, यानी लीड का मतलब होगा उसका जो जो क्रूशिबल होगा जिसमें हम उसको हीट करेंगे, उसका जो कवर्ड होगा, ढक्कन जो होगा वो बंद होगा, ताकि वो फायर ना पकड़े, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जाए, केवल वोलेटाइल मटेरियल वहां से डिसअपियर हो। तो यहाँ से जो क्वांटिटी जो उसमें बचा, रिमेनिंग जो पोर्शन जो कोल सैंपल का बचा, उसको हमने वेट किया, वो आया यहाँ पे W2। अब इस W2 से के हेल्प से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या वोलेटाइल मैटर का मास कितना था, यानी W1-W2, जितना हमने इनिशियल इस प्रोसेस से लिया था, और उससे वोलेटाइल मैटर हटने के बाद जितना बचा उसको माइनस कर लिया, तो हमारा यहाँ पे वोलेटाइल मैटर कितना था वो आ गया। और इस मेथड, इस फॉर्मूले से हम उस वहां पे परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट कर। उसके बाद जो ये W2 आया था वेट, जो है वोलेटाइल मैटर वहां से एलिमिनेट करने के बाद जो बच गया सब्सटेंस, उसको क्या किए हमने, विदाउट लीड यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है हम उसको हीट किए 700 डिग्री सेल्सियस पे, कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। तो जो भी सब्सटेंस उसमें बच जाएगा, जो भी जो सब्सटेंस जो बचने के कॉन्स्टेंट वेट जो हमारा आएगा, उसको 30 मिनट तक बर्निंग होने के पश्चात वो क्या हो जाएगा, रेसिडुअल मटेरियल है, वही एस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, जो इनिशियल सैंपल दिया हुआ है कोल का उसके रेस्पेक्ट में वो हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एस। इन सब से इतना चीज कैलकुलेट करने के बाद अब रह गया हमारा कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो टोटल जो सैंपल है उसका अगर हम लोग 100% मान लें, और जो भी ये कैलकुलेट करके आया है, मॉइस्चर परसेंटेज, वोलेटाइल मैटर परसेंटेज और एस परसेंट, इन तीनों को माइनस कर लें, 1 प्लस 2 प्लस 3, इनको हम माइनस कर लेंगे, जितना वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, कार्बन परसेंटेज। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है, ये पहले पढ़ाया भी जा चुका है, तो यस अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। आप लोग अपना पेन वगैरह कॉपी वगैरह वो कर लीजिए, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ इस पे आएगा, लेकिन आप अपने कॉपी वगैरह पे लिख लेंगे तो आपको करने में आसान रहेगा।
2.5 ग्राम ऑफ ड्राइड एयर कोल सैंपल वॉज टेकन इन सिलिकल्स क्रियोकेबल आफ्टर हीटिंग इट क्रूसिबल, इन क्रूसिबल आफ्टर हीटिंग इट इन सिलिकॉन इलेक्ट्रिक क्रूसिबल। ओवन एट 105 बाई 110 सेल्सियस फॉर 1 आवर द रिड्यूस वॉज वेटेड 2.410 ग्राम द रेसिड्यू वॉज हीटेड इन सिलिकल क्रूसिबल कवर्ड विद वेंटेटेड लीड एट टेम्परेचर 950 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जैक्टली 7 मिनट आफ्टर कूलिंग वेट ऑफ रेसिड्यू वॉज फाउंड टू बी 1.78 ग्राम द रेसिड्यू वॉज इनिटेड एट 700 to 750 सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वेट ऑफ 0.2469 ग्राम कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। हो गया सर? ओके, देखिए यहाँ पे तीन जगह आपको वेट, तीन चार जगह वेट आया, ये 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम हमने क्या लिया, कोल सैंपल, ठीक है। तो आपका इनिशियल वेट क्या हो जाएगा कोल का, इनिशियल यानी जो सैंपल वेट है जो हमने यहाँ पे वो पढ़ा, देखिए W, W हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2.5 ग्राम। देख 2.5 ग्राम यानी इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अपने उस पे क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय W। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं W, ये आपको फॉर्मूले से कोरिलेट करने में आसानी होगा। उसके बाद जो है सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, जो हमने सैंपल लिया था W उसको हीट किया था 105 to 110 डिग्री सेल्सियस तक 1 आवर्स के लिए। तो जो वेट आया था वो मॉइस्चर फ्री वेट था, यानी उसमें जो मॉइस्चर जो था वो क्या हो गया था, वो वहां से एलिमिनेट हो गया था, डिसअपियर हो गया था, उसको हमने नाम दिया था W1। तो उसका वैल्यू कितना है, हो गया 2.410 ग्राम, ठीक है। तो जो हमारा जो फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालने का, वो हम क्या कर रहे थे, W माइनस W1 बाय W इंटू 100, ठीक है। तो यहां से हम लोग का क्या निकल रहा था, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को हम यहाँ पे M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अगर कॉपी में करेंगे तो उसको कंप्लीट लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। तो ये परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकाल के बताइए कितना हुआ, अभी कीजिए, साथ साथ में कीजिए तो ये समझ में जल्दी आ जाएगा। तो ये W जो है उसका वैल्यू कितना हो गया, 2.5 माइनस ये कितना हो गया, 2.410 ग्राम बाय क्या होगा, वेट ऑफ द कोल सैंपल, तो वो है कितना 2.5। तो नीचे जो है वो कोल सैंपल का वेट ही रहेगा, यानी इनिशियल जो सैंपल साइज है वो हमारा 2.5 ग्राम जो कोल है वही रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग W I से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हर समय या W से रिप्रेजेंट हमने किया, इसको यहाँ पे हम W से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये जो है सभी पूरे न्यूमेरिकल के लिए जितना भी हमको सैंपल जितने भी परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं उन सब के केस में क्या होगा, W से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये वैल्यू कितना कैलकुलेट करके आया बताइए, 241 ग्राम,
2.41 ग्राम तो आपका ये है, क्या बोलते हैं, जो आपने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक इस कोल सैंपल को, वो आया W1 ग्राम। तो यहाँ 2.5 माइनस 2.41 ग्राम बाय 2.5 इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको आएगा 0.09 बाय 2.5 इंटू 100। आगे चले ना, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटा दे रहे हैं ऊपर नीचे से, तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 5 और इसको 5 से कट कर दे रहे हैं, 2 आएगा, हो जाएगा कितना 18/5। 18% हो जाएगा। इसको जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6%। चलिए जिनको नहीं है आप अपने कॉपी में इस चीज को बना लीजिए, पहले अपने से बनाइए, उसके बाद हम इसको फिर नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया मॉइस्चर परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हमारा हो गया 3.6%। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि पहले हम क्या ले रहे थे, W ले रहे थे, W ग्राम, यहाँ W का वैल्यू कितना है, कोल सैंपल कितना लिया है 2.5 ग्राम, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ हीट किया कितने डिग्री तक, 105 to 110, 0 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए, ठीक है, 1 आवर के लिए। तो रिसीव वेट जो बचा हमारा वो कितना है, वो हमने क्या चीज से रिप्रेजेंट किया था अपने नोट में, W1 से, वो बचा कितना 2.410 ग्राम, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या चीज का, यहां से जो यहां पे हीट करने के बाद आया, ये हमारा मॉइस्चर, मॉइस्चर यहां से डिसअपियर हो चुका है, मॉइस्चर यहां से डिसअपियर हो गया, ठीक है। जो इसके वेट में से, यहां से जो वेट था 2.5, उसको जब हमने हीट किया तो 2.41 जो इसका वेट आ गया, तो इसमें मॉइस्चर यहां से डिसअपियर हो गया। अब मॉइस्चर हट जाने के बाद हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं, 950 के आसपास तक हम इसको हीट कर रहे हैं, 950 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किए, कितने देर के लिए, 7 मिनट के लिए। ठीक है, 7 मिनट के लिए हमने क्या किया, 950 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया। तो ये जो 2.41 ग्राम जो था, वो जो है आपका रह गया कितना, ये जो दिया हुआ, कूलिंग और वेट ऑफ द रिसीव फाउंड टू बी 1.78 ग्राम। तो ये कितना रह गया, W2 हमारा 1.78 हो गया कितना, 1.78 ग्राम। तो यहां से इस वेट से जो हम इस वेट पे पहुंचे, ये कौन सा लॉस है, ये है हमारा वोलेटाइल मैटर, ठीक। अब यहां से देखिए, जब ये नेक्स्ट स्टेप के लिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इसी सैंपल को हीट करेंगे कितने तक, 7 to 750 डिग्री सेल्सियस, हम यहाँ पे 750 डिग्री सेल्सियस ही लिख देते हैं, 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे अप्रोक्सीमेट 1/2 आवर के लिए, 30 मिनट के लिए,
तो जो कांस्टेंट वेट बचेगा, कांस्टेंट वेट बचने का मतलब वो वेट अब कम नहीं हो रहा, डिसअपियर नहीं हो रहा, वो वहां पे बचा रह जा रहा है। तो कांस्टेंट वेट जो बचेगा उसको हमने मान लिया डब्ल्यू थ्री, और वही है एस। और ये हो जो जो हो रहा है यहाँ पे कंबसन हो रहा है, यानी वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग टेक्स प्लेस अकर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए W1, W2, W3 और W3 कितना हो गया यहाँ के हिसाब से, W3 आपका जो हो गया जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला 0. अब जो हमारा क्वेश्चन जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले पे आप इस सभी चीज को रिप्रेजेंट करते जाइए, आपको आंसर आते जाएगा। तो आपका जो वोलेटाइल मटेरियल का जो मॉइस्चर का जो था वैल्यू आया था 3.6%। वहां हमने क्या किया था, मॉइस्चर परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे W-W1/W×100। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे सो बताइए सर, W1-W2/W×100। W1-W2/ क्या करेंगे W1 सर, W सही × 100, 100 नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आया सो बताइए। W1 हमारा कितना हो जा रहा है, W1 यहाँ पे है ये वैल्यू 25.2%, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा 25.2% वोलेटाइल मैटर का। देखिए क्या होगा यहाँ पे, W1-W2 करेंगे तो 2.41, यहाँ पे हम नोट कर दे बता दे 2.41-1.78 को डिवाइड करेंगे हम लोग कितने से, 2.5 से। इनिशियल सैंपल साइज क्या है 2.5×100। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना कैलकुलेट करने के बाद 25.2 परसेंटेज ऑफ कार्बन अप्रोक्स 9.9%। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, 9.9% अप्रोक्स। परसेंटेज ऑफ कार्बन नहीं, देखो कहीं गलत हो रहा है, 9. अगर कार्बन अगर आ जाएगा तो वो कोल कहलाएगा क्या, इतना तो वुड में भी कार्बन नहीं होता इससे, मतलब इतना तो वुड में भी कार्बन इससे ज्यादा होता। आप कार्बन नहीं है एस परसेंटेज बता रहे हैं, समझे सर, एस परसेंटेज तो 61 आ रहा है, एस परसेंटेज 61, 9.88%। हाँ देखिए एस परसेंटेज जो आप क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस तो नहीं कर रहे हो, इसको ये नहीं करना है, ये जो रेसिडुअल जो जितना जो बच गया इसके, देखिए W2 जो हमने वैल्यू लिया 1.78 ग्राम जो है, इसको जब हमने बर्न किया तो रेसिडुअल जो बच गया वो W3 है, W3 ही तो S है, राख वही तो बचा, तो जो S है उसका वेट तो हमको मिल ही गया, वो है 0.2469। तो S परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसको इतना डिवाइडेड बाय कितना जो हमारा सबसे इनिशियल है 2.5×100, इसको कैलकुलेट करो, समझे धनीराम? यस सर। इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आपको आएगा 9.8 के करीब, 9.8% के करीब। एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, एक एक दो डिजिट तक, तीन डिजिट तक निकालो इसको।
9.876% हो गया आपका क्या परसेंटेज ऑफ एयर। चलिए इतना हो गया, इसको मिटाते हैं फिर। अब नेक्स्ट हम लोग जो चलते हैं वो है, हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल फ्यूल में जो सब्सटेंस होगा कितना होगा, 100%। ठीक है, इसमें हमको मॉइस्चर परसेंटेज कितना आया, 3.6%। उसके बाद जो है वोलेटाइल मैटर परसेंटेज 25.2%, और एस परसेंट 9.876%। ठीक है, तो अब बच गया कौन सा, कार्बन। तो ये 1 जो आया आपका, 2 जो आया और 3 जो आया, इसको ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, कार्बन का परसेंटेज। वन प्लस टू प्लस थ्री कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए इसको। नाइन्टी थ्री परसेंट 25% तो यही दिख रहा है। 61.32% 25% तो वोलेटाइल मैटर ही है, ऐसे ही 25 से तो कम ही होगा, ऐसे पता चल रहा है। 10% ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट। हाँ तो सर, हो गया 60 कर लीजिए, 65 उसमें से 3% ये माइनस करेंगे तो ऐसे ही पता चल जा रहा लगभग अप्रोक्सीमेट। तो ये किस तरह का कोल होगा, किस तरह का मतलब किस प्रजाति का, कौन सा। हम लोग कोल का टाइप पढ़े थे ना, एक ही क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारा रिवीजन कर सकते हैं, समझे। उसको वैल्यू को, उस वैल्यू को एनालाइज करके, उस चीज को आइडेंटिफाई करके कि क्या है, उसको समझ के। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसको समझना, जो डेटा दिया हुआ है उसे फाइंडिंग क्या आ रहा है हमारे पास, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए लिग्नाइट से, लिग्नाइट होगा, कितना परसेंटेज होता है कार्बन का लिग्नाइट में, 60 से 70%। 60 to 70%। आपका जो है बिटुमिनस में 78 to 90%। ठीक है, एंथ्रासाइट में 92 to 98% तक, और जो पिट हुआ वो 57% के आसपास होगा। 90 और 91, 92 ये सब जो है, 92 से नीचे जो है वो सब बिटुमिनस में आएगा। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट जो बोलने का मतलब कि 91%, 92% ये आसपास में एवरेज ले लीजिए उसका, 91, 92 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 92% से शुरू हुआ। तो उसका मेनली हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू लेके ज्यादातर चलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू से ही हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि हमको
हमने इसका सब डिवीजन किया है कि किस टाइप का कोयल है, लेकिन सबसे जो मस्ट चीज है वो कितना कैलोरीफिक वैल्यू उसमें प्रोड्यूस होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है केवल कार्बन के कंटेंट पे नहीं डिपेंड करता, उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और वोलेटाइल मैटर ये सब के भी कंटेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो डायरेक्ट जो मेन कंस्टिट्यूएंट जो होगा उस पूरे फ्यूल का वो कार्बन ही होगा, इसलिए हम कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से ही इसको डिवाइड किए हुए हैं। ठीक, तो जो हमारा कोल जो हमने अभी एनालाइज किया वो किस तरह का कोल है, लिग्नाइट कोल है वो, और जब इसका 60-70% कार्बन वो है तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपका 6500-7100 किलो कैलोरी पर केजी आएगा। तो अब आपको कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना केजी फ्यूल जो है, कोल जो है या लिग्नाइट जो है वो बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया इसका एनालिसिस करने का मतलब। हमने एनालिसिस क्यों किया, ताकि हमको पता चल पाए कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, उससे कितना किलो कैलोरी हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, और पार्टिकुलर वर्क के लिए या किसी काम के लिए हमको कितना फ्यूल यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, जो हमने हमने अभी अभी बताया, जो धनीराम जॉन इसका ये एनालिसिस समझ में आया। हमने अप्रोक्सीमेट आपको इस एक क्वेश्चन से हम 3 से 4 चीज लेके चले। पहला चीज है कि वो किस तरह का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से हमने न्यूमेरिकल किया। ठीक है, उसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट का हमने क्या किया, वहां पे परसेंटेज निकाला, उस परसेंटेज से हमने आइडेंटिफाई किया कि किस टाइप का कोल है ये, फिर वहां से उसके कैलोरीफिक वैल्यू से हमने कोरिलेट किया कि वो अगर वो 1 kg फ्यूल उस तरह का हम लोग बर्न करेंगे तो हमको कितना कैलोरी वैल्यू जो है मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कार्य के लिए, इस काम के लिए जिसको हमको करना है, उसके लिए हमको एक्चुअली कितना फ्यूल चाहिए, कितना केजी कोल चाहिए, कितना केजी हमको वो फ्यूल यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर इसकी जगह पे हमको अगर ये दूसरा कोल अगर मिल जाता है, मान लीजिए हमारे पास लिग्नाइट की जगह पे हमको बिटुमिनस मिल जाता है, तो उतना ही हमको कम केजी कोल का जरूरत पड़ेगा जलाने के लिए। तो प्रॉक्सीमेट एनालिसिस से हमको क्या होता है कि मेनली जो है कार्बन कंटेंट ये सब का पता चलता है, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कोल जलने के बाद यानी बर्निंग होगा, जब कंबसन होगा उसका, तो कितना एनर्जी हमको प्रोड्यूस करेगा। चलिए, तो हम फिर से हम लोग वहीं पे चल रहे हैं जहां पे अभी न्यूमेरिकल कर रहे थे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बोल रहे सर। चलिए, हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड। A sample of coal was analyzed for content of moisture, volatile material and ash from following data. Calculate percentage of above quantities. Number 1. Weight of coal taken is equal to 2.5 gram. Second. Weight of coal after heating at 100 Celsius is equal to 2.365 gram. Third, weight of coal after heating in uncovered crucible at 95 degrees Celsius is equal to 1.165 gram. Sir, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए माइक बंद करके हम भी बोल रहे हैं। हम वही सोचे सर कहाँ चल गए। अच्छा, नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा भी, लेकिन फिर से कनेक्ट हुआ तो माइक तो है क्लोज करके ही हम भी बोले जा रहे थे। अच्छा ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जो कोल सैंपल लिया उसका जो इनिशियल जो वेट है कोल सैंपल का वो 2.5 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ। देखिए ये डेटा दिया हुआ नीचे, इस डेटा में ये हमारा हो गया W, वेट ऑफ द सैंपल, वेट ऑफ द कोल आफ्टर हीटिंग 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस
हीट हम किस चीज के लिए करते थे? मॉइस्चर को हटाने के लिए। तो मॉइस्चर हटने के बाद क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू वन। उसके बाद वेट ऑफ द कोल आफ्टर हीटिंग इन एन कवर्ड क्रूसिबल। कवर्ड क्रूसिबल में जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वहां पे क्या मिलता हटता है, वहां पे रिमूव होता है 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक कौन सा वोलेटाइल मैटर वीएम। तो ये हो जाएगा हमारा क्या डब्ल्यू टू। ठीक है, इतना सारा डेटा हमको मिल गया। यहाँ पे डब्ल्यू थ्री का कोई जिक्र नहीं है, यानी एस जो है उसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए पूछ क्या रहा है, मॉइस्चर परसेंटेज, कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर। ठीक है, एस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और एस भी ये पूछ रहा है। तो क्या यहाँ पे हम एस निकाल पाएंगे? यस सर। W3 हमको पता नहीं है, इसमें W है, W1 है, W2 है, W3 का पता नहीं है। तो क्या हम S परसेंटेज निकाल पाएंगे? तो 700 डिग्री हीट होगा 30 मिनट के लिए तब ना। हाँ, तो वो डाटा नहीं दिया हुआ है तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में ये था नहीं, ये हम जोड़ा गया। जोड़ने का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या डाटा आपको मिलेगा तो आप वहां से क्या कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे लेकिन इन बाकी चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो चीज कैलकुलेट यहां से किया जा सकता है वो है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करते हैं पहले, क्या होगा बताते जाइए फॉर्मूला, बस डेटा बताइए कि किसमें किसको माइनस करेंगे या जो हम लिख रहे हैं देखिए सही है कि नहीं है। 2.5 माइनस 2.365 बाय 2.5 × 100। इसे कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर और परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट करते हैं वीएम। इन शॉर्ट ये लिखते हैं 2.5 माइनस 1.165 सर। 2.365 माइनस होगा ना सर? 2.365 माइनस होगा, क्यों सर? डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू होगा ना? हाँ डब्ल्यू वन, क्योंकि ये जो एक स्टेप यहाँ से यहाँ है, यहाँ से जब थर्ड सेकेंड स्टेप पे जाने के लिए वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट करने के लिए हम मॉइस्चर फ्री सैंपल को लेते हैं तो वो क्या है डब्ल्यू वन, यानी 2.365 डिवाइडेड बाई 2.365। इसका अभी तुम नहीं बोलोगे, ठीक है? नेक्स्ट किससे पूछा जाए? धनीराम। यस सर। बताओ दोनों फॉर्मूले में कोई कहीं गलती है क्या? सर नीचे सेकंड वाला में वहाँ 2.365 लिखे हैं, वहाँ 2.5 हो। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ मॉइस्चर फ्री मॉइस्चर के बाद इनिशियल मतलब टोटल कोल का वेट लेते हैं। टोटल कोल का मतलब जो सैंपल साइज है उसका वेट लेते हैं। ठीक है,
सर हो गया 0.54%, फर्स्ट वाला का, नीचे वाला का 48%, इसका कितना आया? 0.54%। 0.54%। 4%। और इसका 48%। 48%। सबका यही आया? हाँ सर, सर ऊपर में बोलिए। तो 5.4% आ रहा है मॉइस्चर का। 5.4% हो रहा। चलिए तो हम भी सॉल्व कर लेते हैं। जब डाटा 2.5 माइनस 2.365, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5, फिर ये 3 जीरो और पॉइंट वन थ्री वन फाइव बाई 25। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट में इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए। इसको काट के सॉल्व, ऐसे सॉल्व करें या फिर डायरेक्ट हम अपने तरीके से कर दें? 5.4% आ रहा है सर। 5.4%, यानी डेसिमल इधर उधर करने में कर दिए हो ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप कुछ मत कीजिए। यहाँ देखिए डेसिमल कितने पे है, 3 प्लेस, और यहाँ कितने प्लेस पे है, 1 प्लेस। बचा कितना प्लेस, 2 प्लेस। ठीक है, 2 प्लेस इधर कितना बचा, 2 0। डेसिमल को हटा दीजिए, नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 25 ऐसा कुछ रहे ना, तो और ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। जितना ये 4 से 5.4 है मल्टीप्लाई सर, करने के बाद आ रहा है, क्या हुआ, 5.4 है, 5.4। 5.4। चलिए तो कैलकुलेशन में पॉइंट का ध्यान रखिए, 5.4% आपका क्या आ गया, मॉइस्चर परसेंटेज आ गया, और ये 48%। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कुछ दिक्कत होगा। तो चलिए एक थोड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, एन एयर ड्राइड कोल सैंपल जिसका वेट है 2.9 ग्राम वाज टेकन फॉर वोलेटाइल मैटर डिटर्मिनेशन। वोलेटाइल मैटर कितना है वो इसमें फाइंड आउट करना है। आफ्टर लॉजिंग वोलेटाइल मैटर द कोल सैंपल वेटेड 1.96 ग्राम। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, जो 2.9 जो दिया हुआ है वो क्या चीज, कौन सा वैल्यू है? इनिशियल कॉल हाँ इनिशियल, यानी इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, डब्ल्यू से। डब्ल्यू सी ठीक है, और ये वाला वैल्यू क्या चीज है, ये जो नीचे 1.96 ग्राम दिया हुआ है। आफ्टर लॉजिंग वोलेटाइल सर डब्ल्यू टू आफ्टर लूजिंग वोलेटाइल मैटर, वोलेटाइल मैटर तो मॉइस्चर लूज करने के बाद क्या देता था, W1। मॉइस्चर फ्री जो था W1, और ये हो गया हमारा W2। लेकिन आपका जो परसेंटेज दिया हुआ है, मॉइस्चर परसेंटेज दिया हुआ है, मॉइस्चर परसेंटेज कितना है, 4.5%। इतना डाटा दिया हुआ है, कैलकुलेट हो पाएगा? बोलिए, इनिशियल कोल सैंपल आपका दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिया हुआ है, इसमें जो W2 दिया हुआ है, W2 क्या है, वेट
कितने डिग्री हीटिंग करते हैं वोलेटाइल मैटर को लूज करने के लिए, लॉस करने के लिए कितने डिग्री तक का हीटिंग करते हैं? आफ्टर हीटिंग 950 एट 950 डिग्री से, 950 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पे क्या किया हमने, इसको हीट किया तो वो कितना बचा, वैल्यू कितना आया उसका, 1.96 ग्राम, इतना वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल सा है, हम लोग वेट ले लेंगे इसका कुछ एक्स, लेट डब्ल्यू वन, आप यहाँ पे डब्ल्यू वन जब क्वेश्चन करेंगे, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो डब्ल्यू वन नहीं लिखेंगे, लेट वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर हीटिंग इट 100 डिग्री सेल्सियस बी एक्स ग्राम, ये हमने ले लिया। अब क्या मॉइस्चर परसेंटेज दिया हुआ है, तो मॉइस्चर परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5% जो है इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, बोलिए, हमने डब्ल्यू वन एक्स ले लिया है तो डब्ल्यू कितना है, 2.9 माइनस एक्स अपॉन 2.9 इंटू 100, ये हो जाएगा। यहां से एक्स कैलकुलेट कर पाएंगे, यहां से एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जब हमारा एक्स आ जाएगा तो वो हो गया क्या, वो आपका हो गया डब्ल्यू वन, और एक्स जब आ गया और यहाँ डब्ल्यू टू है ही, तो यहां से डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू बाई डब्ल्यू इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ वीएम। इसका स्नैप ले लीजिए, ये आपको करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बस हम दिखा दे रहे हैं, उसका भी स्नैप ले लीजिएगा, उसको भी ट्राई कीजिएगा, नहीं तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, चलिए इसको स्नैप ले लीजिए एक मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, बस इसको फॉर्मूला में डालना है, आपका आंसर आ जाएगा, बस फॉर्मूला उसे याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है अल्टीमेट एनालिसिस में, ठीक है, स्नैप ले लिए। चलिए फिर इसको आज का क्लास बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप करके लाइए, फिर आगे हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस का भी क्वेश्चन अभी इसमें करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। आपके बुक जिन जो जो हमारे पास आज भेजे थे उनको हमने बुक ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है सैंपल पेपर उसका, एक दिन बॉम कैलोरीमीटर पढ़ा देंगे, वो भी ये सारा क्वेश्चन इसमें का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर से मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सर, वेलकम।